जब उसको इस बात का पता चला तो उसने क्या काम किया, उसने कुल्हाड़ी उठाई और उसको काटने के लिए से ये उस दरख्त के पास में लाया। तो उसने इस दरख्त पर कुल्हाड़ी से वार करने शुरू की, काटने इसको शुरू किया। उधर से पेड़ के अंदर से इसको आवाज आनी शुरू हुई, शैतान हेले बाल लिया और गौ के पास भी डराना आराम। जब शैतान का कोई हरपा इस पर कामयाब नहीं हुआ तो शैतान बशकल इंसान इस तरफ से बाहर आया और आकर इसको रोका कि तू उसको मत पाए, लेकिन ये अल्लाह का मुखलिस बंदा है, वो इससे नहीं रोक। अब शैतान इसको रोक रहा है, ये इसको पा। नतीजा ये हुआ कि इन दोनों में ही झगड़ा हो गया, दोनों में फसाद हो गया, दोनों में फायदे हो। और जब लड़ाई होती रही लड़ाई होती रही, तो नतीजा ये निकला कि ये जो अल्लाह का मुखलिस बंदा है शैतान के सीने पर सवार होकर बैठ गया। अल्लाह का मुखलिस बंदा शैतान के सीने पर मुसल्लत हो गया, गालिब हो गए, शैतान मगलूब हो गया। जब मगलूब हो गया तो शैतान तो शैतान है, इसने तो परवरदिगार आलम की कई हजार साल इबादत की, इसने कई रोज इबादत की, चंद रोज इबादत की, इस मुखलिस बंदे की, लेकिन इसने जो है इसको टारगेट है, तू अल्लाह का मुखलिस बंदा है और मुझे मालूम है कि तेरे हालात जो है फिक्रे मार्श, मेरा हर टाइम मेरा दिमाग में जा रहा था, मुखलिस तो है परवरदिगार आलम का, लेकिन कारोबार की वजह से तू कमजोर है। यार मैं तुझे एक ऐसा रुस्ता बता सकता हूँ कि जिससे तेरी दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब हो जाए। नमाज मगरिब के बाद में तू ये शोर से दुआ पढ़ लिया कर, तू कारोबार में मत फेल रहे हो, फिक्र मार्श पर नहीं सकता, कारोबार तेरा अच्छा होगा, पैसे की कोई तेरे पास कमी नहीं होगी। अब ये इसके सीने से होता रहा है। जब नमाज मगरिब में इसने नमाज पढ़ी और वो गुस्सा जो इंग्लिश ने इसको दिया था वो इस्तेमाल किया, तो उसने सुबह को देखा तेरा के नीचे से इसके गिरे जा रहा है। अगले दिन इसने फिर नमाज मगरिब के बाद फिर वो उसका इस्तेमाल किया, अगले दिन फिर तरीके के नीचे सुनना चाहते हैं लगातार वाकिर जो है इसके तकिए के नीचे से सोना सोने के सिक्के निकलते रहे। जब 15-20-30 दिन हो गए तो वो सिक्के निकलने, तो सिक्के जब निकलने बंद हो गए तो उसने फिर कुल्हाड़ी उठाई और ये कुल्हाड़ी उठाकर फिर उसी तरफ के पास पहुंचा, फिर काटना शुरू किया। शैतान ने फिर इसको खाना वगैरह डराया धमकाया, लेकिन ये पास शैतान फिर बशक में इंसान बाहर निकलता रहा है। फिर पिछली तरह की तरह इस तरह के दोनों की लड़ाई हुई। इस बार जब इनकी लड़ाई हुई तो शैतान इसके ऊपर सवार हो गया, इस अल्लाह के मुखलिस बंदे के ऊपर शैतान सवार हो गया, इसके सीने पर चढ़कर बैठ गया जो मुखलिस बंदा था। अब इस बंदे ने शैतान से कहा कि भाई तू ये बता, पहले तो मैं गालिब आया था और क्या ऐसी बात हुई कि अब तू मेरे सीने पर सवार होकर बैठ गया। तो शैतान ये कहता है कि पहले जब तू इस दरख्त को काटने के लिए आया था तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ तेरे दिल में परवरदिगार आलम की मोहब्बत थी, यानी तेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ खुलूस था, इसलिए परवरदिगार आलम ने तुझे मेरे ऊपर गलबा अता किया। और आज जो मैं तेरे ऊपर सवार हुआ हूँ ना, तो आज पेड़ को काटने के लिए नहीं आया बल्कि आज तू सोने और चांदी के लिए आया है। परवरदिगार आलम ने तेरी वो ताकत, तेरे खुलूस की ताकत तुझसे सिद्ध कर दी है, सलावत भेजिए। तो जो इंसान खुलूस इख्तियार करता है परवरदिगार आलम उसको गलबा अता करता, उसको कामयाबी देता है। मौला अली अलैहि सलाम फरमाते हैं खुलूस कामयाबी है, खुलूस बंदे के लिए कामयाबी है। जिस इंसान के अंदर खुलूस पाया जाएगा वो किसी भी महाज पर फेल नहीं होगा, चाहे उसके मुकाबले पर कितनी ही बड़ी ताकत क्यों ना हो। जब इंसान खुलूस इख्तियार करता है तो परवरदिगार आलम उसको ऐसी
जगह से ऐसे बड़े बड़े खजाने अता करता है, ऐसे बड़े खजाने अता करता है कि जो इंसान पूरी जिंदगी में भी हासिल नहीं कर सकता। चंद लम्हों में अगर खुलूस के साथ इंसान कोई अमल अंजाम दे दे, खालिस अमल अंजाम दे दे, तो परवरदिगार आलम उसको वो नेमत अदा करता है, वो खजाने, वो गिफ्ट देता है कि कयामत तक उसकी नस्ल में वो चीज़ें मुंतकिल होती हैं। जब जनाब आदम अलैहिस्सलाम इस जमीन पर तशरीफ लाए तो कुछ हिरन जो है उनके दिल में ये इश्तियाक पैदा हुआ कि परवरदिगार आलम का नबी इस जमीन पर तशरीफ लाए, चलो ज़ियारत के लिए चलते हैं। लिहाजा इस इश्तियाक में कि अल्लाह का नबी जमीन पर तशरीफ लाया है, चलो उसकी ज़ियारत से मशर्रफ। और जब ये हिरन जनाब आदम अलैहिस्सलाम के पास आए, जनाब आदम अलैहिस्सलाम को आए अल्लाह के नबी तुम पर हमारा सलाम, जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने इनको सलाम का जवाब दिया और इनकी पुश पर अपना दस्तशक्कर, जिसकी बरकत से इन हिरनों के अंदर मुश्क जैसी नेमत पैदा हो। जब इन्होंने खुलूस दिल के साथ में, खालिस नियत के साथ में कि अल्लाह का नबी इस जमीन पर लाया है, ज़ियारत के शौक में गए तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने इनको दुआ दी और इनको दस्ते शक्कर किया, तो उसकी बरकत से मुश्क नाफे इनके अंदर पैदा हो। और जब ये हिरन अपने कबीले में वापस आए तो जो हिरन जनाब आदम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए नहीं गए, उन्होंने इनके अंदर एक अजीब खुशबू महसूस की और कहा कि हम तुम्हारे अंदर एक अजीब खुशबू महसूस कर रहे, तो कहा कि हम अल्लाह के पैगंबर की ज़ियारत के लिए गए, उसने हमें दुआ दी, उसने हमारे उस पर जवाब दे रहा, उसकी बरकत से परवरदिगार आलम ने हमें नेमत अता की। तो अब इनके दिल में भी इश्तियाक पैदा हुआ कि हम भी कर मुश्किल लेकर इमाम भी जाकर वही कलमा दोहराए जो उन्होंने दोहराए थे, अल्लाह के पैगंबर है, अल्लाह के नबी आदम उन पर हमारा सलाम, जनाब आदम ने इनको भी सलाम का जवाब दिया, इनकी भी उस पर हाथ फेरा, इनके लिए भी दुआ करें, लेकिन इनके अंदर कोई मुश्किल ना हो, इनके अंदर कोई मुश्क पैदा ना हो। जब ये वापस आए अपने कबीले में हिरणों के पास में आए और उन्होंने इनसे कहा जिनके अंदर मुश्क पैदा हो गया था, ये हिरणों हमारे अंदर तो चीज़ पैदा ही नहीं हुई, हमारे अंदर तो क्वालिटी पैदा ही नहीं होगी, तुम्हारे अंदर कैसे पैदा होगी? तो हिरण बोले कि हम जो है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के दीदार के लिए, अल्लाह के पैगंबर के दीदार के लिए हम वहाँ पर गए, कल किसी मुश्क के लिए वहाँ पर नहीं गए थे, हम सिर्फ और सिर्फ खुलूस दिल से अल्लाह के नबी की ज़ियारत के लिए हम गए थे, लेकिन तुम जो गए थे तुम मुश्क के लिए गए। लिहाजा जो इंसान खुलूस दिल रखता है, परवरदिगार आलम जानवरों को भी ये सिफत देता है कि कयामत तक उनकी नस्लों में ये मुश्क चलता रहेगा और जनाब आदम से आज तक चलता आ रहा है। तो जब जानवरों को परवरदिगार आलम खुलूस की बिना पर इतनी बड़ी नेमत दे सकता है, तो जो अशरफुल मखलूकात है इंसान, उसके खुलूस के बदले में परवरदिगार आलम क्या नहीं दे सकता। सलावात भेजिए इससे बलंद करिए सलावात भेजिए की कदरों की मत नहीं। आमाल तो इंसान चाहे कितने ही अंजाम दे, खुलूस का ताल्लुक नियत से है और आमाल की कबूलियत करार मदार नियत पर है। तो जिसकी नियत खालिस होगी परवरदिगार आलम उसके आमाल को वजनी करेगा और अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा रखेगा। एक इंसान है, उसने रसूल इस्लाम की हदीस सुनी, हदीस ये सुनी कि जो इंसान को चाहिए कि वो अपने बच्चों की परवरिश हलाल रिस्क से करे और उसने इस पे अमल करते हुए अपने बच्चों की परवरिश हलाल रिस्क से हो, तो उसने इसके लिए क्या किया? एक मजदूर आदमी क्या करता है? एक मजदूर आदमी, उसने सुना कि भाई अपने बच्चों की जो है परवरिश वो हलाल रिस्क से होनी चाहिए, मेरे रसूल ने कहा, तो गरीब आदमी क्या करेगा? सब्जी बेचेगा, आम बेचेगा, अभी आम का सीजन है,
गरीब आदमी कैसे आम गए 100 रुपये के 3 किलो 100 रुपये के 3 किलो। इसके दिल में क्या है, इसकी नीयत में क्या है कि मेरे रसूल ने कहा कि अपने बच्चों की अपने वालदे की परवरिश रिस्क हलाल से करो, हलाल रिस्क से करो, ये सोचकर ये अमल अंजाम दे। और एक आदमी ऐसा है कि सरपड़ों की लंबी दाढ़ी है, मुत्तकी वाला लिबास है, जैकेट पहने हुए, हाथ में दस्ती है, लंबी लंबी आयतें पढ़ रहा है, कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है, नमाज शब में लगा हुआ है, दिन में रोजे रख रहा है, मुस्तहर रोजे रख रहा है, वाजिब रोजे रख रहा है, जब देखो जब आयतें सुनाता है, जब देखो हदीस से सुनाता है, बात भी कर रहा है तो सुबह देता है, तस्वीर चल रही है, बात भी कर रहा है, तस्वीर भी कर रहा है, लेकिन इसके दिल में एक बात है कि सारे काम को अंजाम दे रहा है, लेकिन इसके दिल में बात यह है कि मैं किसी तरह से दीनदारी की ये नकाब ला कर लोगों का एतबार हासिल करूँ, उन पर कॉन्फिडेंस रखना हासिल कि मैं एक बहुत अच्छा आदमी हूँ, मुत्तकी आदमी हूँ, दीनदार आदमी हूँ, मुझसे बड़ा ईमानदार आदमी इस टाइम इस जमाने में इस बस्ती में कोई नहीं। जब मैं इनका कॉन्फिडेंस हासिल कर लूँगा तो मैं जो बोल दूँगा वो ही, मैं मदरसे के लिए बोल रहा हूँ मदरसा बनेगा, मैं मस्जिद के लिए बोल रहा हूँ मस्जिद बनेगी, मैं जहाँ बोलूँगा उसका पैसा यहाँ जाना चाहिए वहाँ जाएगा, लेकिन वो सारा आएगा जैसे मैं मसरफ में लाना चाहूँगा वैसे। इसके लिए हमें ये बात है कि सारा काम जो है ये सोचकर अंजाम दे। इसकी सुभान अल्लाह कुरान की आयत नमाजों से लाख जगह बेहतर, लाख जगह बेहतर उस मजदूर का ले लो 100 रुपए का 3 किलो आम ले लो, ये तस्वीर से लाख जगह बेहतर है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी खलूस पाया जाता है। सलावत भेजिए मोहम्मद को, हमारी इबादतों की जरूरत नहीं है मगर खलूस के साथ। अगर ये अदाकारी हम कर रहे हैं, अगर यहाँ इंसान खलूस के लिए आता है, अगर यहाँ पर खुलूस के साथ में आता है, इस फर्श हजार का इतना बड़ा तकल्लुस है, इतना जो सवाब है इस पर आकर खालिस बैठ लेता, मुख्तसर सा इसका तारुफ यह है कि इस फर्श पर अहले अर्शा कर रहे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इस फर्श पर अहले अर्शा कर बैठते हैं, इसका मुख्तसर तारुफ यह है। इस जमीन को जिसको जहन्नम बोला जाता है कि जन्नत तक पहुंचने के लिए इस जहन्नम से गुजरना पड़ेगा, इस जहन्नम की जमीन पर इस फर्श अज़ा पर साकिनाने जन्नत आकर रहते हैं, इस फर्श अज़ा का इतना बड़ा तकद्दुस है। लेकिन अगर इस फर्श अज़ा से भी जिक्र हुसैन को सुनकर भी अगर हमारी जहालतें दूर नहीं हो रही हैं तो क्या वाकई करबला से भी कोई और बड़े करबला की जरूरत है? तब हमारे दिलों पर संकाच ये बात, तब हमारे दिलों पर ये चीजें अटैक करेंगी। माविया के दौर में माविया ने ग्रुप तैयार किया और उस ग्रुप का ये काम था कि तुम्हें हर चौपड़े पर हर गली में हर दुकान पर जहां पर भी जाना है बस अली अली करना, अली अली करना, इसके अलावा कुछ नहीं करना, बस अली अली, दम दम अली, हर दम अली के ही गीत गाने, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना। और करना क्या है? जुआ तुम्हें खेलना है, शराब तुम्हें पीनी है, झूठ तुम्हें बोलना है, गिबत तुम्हें करनी है, हलाल हराम से तुम्हें तमीज नहीं है, बस तुम्हें करना है अली अली, हम अली के सामने वाले हैं, अली के सामने। ये कौन सी पॉलिसी थी कि लोग अली से नफरत करते, लोग अली से हेट करने लगे, लोग अली से कराहियत करने लगे, लोग अली के नाम से जलने लगे कि ये अली के छाने वाले, ये अली के छाने वाले। इस फर्श अज़ा की इतनी बड़ी अहमियत है कि साकिनाते जन्नत यहाँ पर आकर बैठते हैं, हम यहाँ पर आकर बैठे तो यहाँ से बाहर निकल कर सड़कों पर हम गाली गलौज कर रहे हैं और उसी के साथ हम या हुसैन या हुसैन या हुसैन, अरे ये कोई खेल तमाशा थोड़ी। या हुसैन एक बहुत बाबरकत नाम है, कितना बाबरकत नाम है हुसैन का, कोई उस आदमी से पूछे जिसको परवरदिगार आलम की थोड़ी सी मार जरा बराबर भी अगर मार पड़े तो उसे मालूम होगा कि या हुसैन नाम में कितनी बड़ी बरकत है।
लेकिन कलियों में चौराहों में मासूमीन अलैहिस्सलाम ने इसीलिए तो कहा कि हमारा चाहने वाला वो है जो हमारे लिए बाइस इज्जत हो, हमारे लिए बाइस जिल्लत ना हो, हमारे बाइस इज्जत का बनेगा आदमी जब उनके नक्शे कदम पर चलेगा, जब उनको फॉलो करेगा, जब हमारी नियतों में खुलूस होगा। मातम करने के लिए यहाँ पर आए, रोने के लिए यहाँ पर आए, लेकिन जब बाहर निकल रहे हैं तो ठहराके मातम। लोगों को पता चले कि हम कहाँ से निकल कर आ रहे हैं, किसकी बारगाह से निकल आ रहे हैं। कम से कम थोड़ी देर तक तो हमें मुतासर होना चाहिए कि हम कहाँ पर बैठे हुए हैं। मैंने परसों भी अपनी मजलिस में शुरुआत यहीं से की थी कि हम कहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर कौन लोग आते हैं, यहाँ पर परवरदिगार आलम की जो सबसे टॉप मोस्ट हस्तियाँ, जो परवरदिगार आलम की बरगुजीदा हस्तियाँ, वो यहाँ पर आकर बैठे, हम उनके दरमियान में बैठे, कम से कम उनका हमारे अंदर थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए वो असर हो। बुजुर्ग बाद यहाँ पर कलाई मजलिस खत्म होने के बाद जा रहे थे, रास्ते में गाली गलो और गाली गलो, उसके बाद में चौराहों पर या हुसैन कौन सा जलूस निकल गया, कौन सी मजलिस हो रही, कौन सी तारीख महसूस हो रही, कोई हमें देखेगा तो तमाशे के अलावा क्या बताएगा। इसी से पहचान होगी हुसैन के मामला। और वालिदैन को ये चाहिए कि वो अपने बच्चों को, अगर बच्चे शरारती हैं, बदतमीज हैं, तो अपने साथ ले सलावत भेजे मोहम्मद। जो इंसान, जो मुसलमान इस फर्श अदा पर आकर भी अगर उसकी इस्लाम नहीं हो, तो ये मेरा चैलेंज है रसूल के नंबर से दुनिया में कहीं भी उसकी इस्लाम नहीं हो। इससे अच्छी दरसगाह, इससे अच्छा मैसेज इंसान को दुनिया में कहीं नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। अगर इन कुर्बानियों वालों की बातों से हमारे लिए नहीं पसीज जाएंगे, तो फिर किसकी बातों से पसीज, किसकी बातें हमारे दिलों पर असरदार होंगी, किसकी नसीहतों को हम एक्सेप्ट करेंगे। इन्होंने तो कुर्बानियाँ देकर हमें समझाया, खाली जबान से नहीं समझाया, बल्कि सर को सजदे में कटा कर, सजदे में अपने सर को कटा कर बताया है नमाज की वैल्यूएशन, जबान से नहीं नमाज पढ़ो, सर को कटा कर सजदे में, नेजे को कुरान की तिलावत करके बताया है, जबान से नहीं कहा कि कुरान पढ़ो, बल्कि कटे हुए सर से नेजे पर कुरान सुना कर बताया कुरान क्या है। लेकिन हम कुरान से बहुत दूर, दुनिया भर की किताबें अपने बच्चों को पढ़ाई, लेकिन कुरान से बिल्कुल नाश्ता, बिल्कुल नाश। एक मदरसे में एक मौलाना साहब ने कहा, लाइब्रेरी वहाँ पर उन्होंने लाई और कहा, लाइब्रेरी बना कर कहा कि भाई जिसके पास में घर में अगर फालतू किताबें हैं तो लाइब्रेरी में ला कर रख सकता है, किसी के काम नहीं पड़ेगा। घर में वो किताबें जिनको कोई घर में पढ़ता ना हो, वो किताबें यहाँ लाइब्रेरी में रखता, किसी के काम नहीं। अगले दिन जब बच्चे हैं तो सब कुरान मजीद लेते हैं कि ये वो किताब है, इनको घर में हमारे कोई पढ़ने वाला नहीं, ये हश्र है। इंग्लिश पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, संस्कृत, सब जबानें पढ़ेंगे, लेकिन इस तालीम से कुछ भी नहीं होगा। जो तालीम है ना, ये इस तालीम से कुछ भी नहीं। तो परवरदिगार आलम ने सबसे पहले जहाँ से कुरान मजीद शुरू हुआ है वहाँ सबसे पहले रिस्क का वादा किया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो तमाम आलमीन का पालने वाला है। अगर वो कुरान मजीद में सबसे शुरू में ये बात ना कहता तो रिस्क के पीछे किस तरह आदमी होता, तो सबसे पहले कह दिया उसने वो पालने वाला है, वो परवान चढ़ाने वाला है, वो कारोबार लेने वाला है, वो रिस्क लेने वाला है, वो रोटी लेने वाला है, पानी लेने वाला है, वो हवा लेने वाला है, वो ऐसा ऐसा रिस्क लेने वाला है जो हमें ढूंढने से नहीं मिलेगा। सबसे शुरू में यही कहा कि मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं खाने को तुम्हें दूंगा। लेकिन इंसान तालीम हासिल कर रहा है कहीं के लिए, नौकरी के लिए, इसी वजह से तो कुरान मजीद की तिलावत नहीं कर रहा कि मैं अगर कुरान पढ़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मैं ये पढ़ूंगा तो मुझे नौकरी मिलेगी। और इसी वजह से परवरदिगार आलम ने सबसे पहले कहा क्या, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस रब के लिए तुम्हारे परवरदिगार की,
जो तमाम आलमीन को फरमा सकता है। ये नबूवत तो हमारी जब है कि जब परवरदिगार ने सबसे शुरू में ये वादा किया कि मैं तुम्हारा रब सलावात भेजे अल्लाह की पाकीज़गी पूरी बयान की सिवाय अल्लाह की मुखलिस के। अब हमें ये देखना चाहिए कि हमारे अंदर कितनी रियाकारी है, कितने गुरूर है, कितना मक्कारपना है, कितना झूठ है, मुख्तसरी कि हम कितने बड़े खलूस वाले, हमारे अमल में कितना खलूस पाया जाता है। मैंने शुरू में खलूस की आपको तारीफ बताई, डेफिनेशन बताई, खलूस किसे कहते हैं। अगर हम इस चीज को सामने रखें कि 100% अमल जो है परवरदिगार आलम के लिए, 1% अमल भी अगर अल्लाह के लिए नहीं है तो इस बात के दलील है तो गैर अल्लाह के लिए, और परवरदिगार आलम सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, गैर अल्लाह को बर्दाश्त नहीं करता। जो सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है, और उसने जब अल्लाह के लिए अमल अंजाम दिया किसके लिए अंजाम दिया, गैरुल्लाह के लिए। एक आलिम दीन, बहुत बड़े जैयद आलिम दीन, उसको आयतुल्लाह दस्तर गैब साहब ने अपनी किताब में लिखा है, जैयद आलिम दीन जैसे लोग फैसला लेते थे, बड़े बड़े गर्मियों के मौसम में रोजे रखते थे, जाड़ों की रात में मालिश को जहर को इख्तियार किया होगा, लोगों ने उनसे फैसले करा, उनसे मसले पूछते थे, उनको बहुत एहतराम की नज़र से देखते। और जब उनका आखिरी टाइम आया, पूरी जिंदगी उन्होंने यह काम किया, जब उनका आखिरी टाइम आया तो कूट कूट कर, बहुत कूट कूट कर, सारे बच्चे जमा हो गए, बाप क्या बात है, आप इस कदर क्यों रो रहे हैं, क्या इसलिए रो रहे हैं कि ये सब कुछ छोड़ जाने पर मकान जायदाद छोड़ जाने, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ, इसलिए रो रहा हूँ, हमसे भी सड़ जाने आ रहा हूँ कि नहीं, मैं इसलिए भी रो रहा हूँ कि मैं आपसे पूछा, फिर आप इस कदर क्यों रहा, रीश मुबारक तर हो गए रोते रोते जब आपने टाइम आया, औलाद पूछ रही है बाबा क्यों रो रहे हो, घर के छुट जाने आगा मैं, हमारे से जुदा हो जाने आगा मैं, क्या हम हफ्ते खिदमत नहीं अदा कर पाए, इस बात कर नहीं तुमने हफ्ते खिदमत अदा कर फरमाते हैं कि पूरी जिंदगी लोगों ने मेरे ऊपर एतबार किया, मुझसे मसले पूछे, मुझसे फैसले करे, पूरी जिंदगी मैंने दीन के काम अंजाम दिए, पूरी जिंदगी मेरी दीनदारी में गुजर गई, लेकिन मैं इस बात पर रो रहा हूँ कि जो दीन के काम मैंने अंजाम दिए हैं आज तक मेरे मुंह पर किसी ने एक तमाचा कर नहीं पाया, और यही दीन के काम मौला हुसैन ने अंजाम दिया, जमाने में उनका पूरा भरा भरा ना होता तो कहीं ना कहीं तो मेरे खलूस में कमी रही, जो आज तक मेरे मुंह पर किसी ने तमाचा नहीं मारा, और बेबी फातिमा ज़हरा का पूरा भरा भरा गुजर, घरों में आग लगा दी, सरों को पलट कर दिया, बच्चों को नहीं छोड़ा, बूढ़ों को नहीं छोड़ा, जरा तो कहीं ना कहीं तो मेरे अंदर फॉल्ट रहा, जो आज तक मेरे घर में आग नहीं लगी, मेरे मुंह पर किसी ने तमाचा नहीं मारा, मुझे आज तक किसी ने गाली नहीं, तो ये सिर्फ और सिर्फ मैं दुनियावी एतबार से तो जाहिद था, दुनियावी एतबार से तो मैं आयतुल्लाह था, दुनियावी एतबार से तो मैं मुत्तकी था, लेकिन मेरा खलूस मेरे तन में मुकम्मल तरीके से नहीं था, मैं इसलिए अपने हाल पर आंसू सलावात भेजे हमें इन सच्ची हिदायत से दर्ज लेना चाहिए और अपनी जिंदगी में इनको उतारना चाहिए, हमें इन पर अमल पैरा होना चाहिए, एक मजलिस में हम आए और सुनकर चले गए फिर बोले, ये वो मौके खुदा की कसम जो इंसान खलूस को अख्तियार कर, जब जानवर जैसे परवरदिगार आलम इतनी बड़ी नेमत से नवाज सकता है कि कयामत तक उसकी नस्लों में मुंतकिल होती चली जाएगी, कयामत तक उनके मुश्किल ना करें, तो जो अशरफुल मशलूक मखलूकात है परवरदिगार आलम क्या उसको महरूम रखेगा,
उसको कितनी बड़ी नेमतों से नवाजेगा परवरदिगार आलम। हम सब को इस खुलूस की दौलत से मालूमाल करें, हमारे दिलों में जितने भी ऐब हैं, जितनी भी मकारियाँ हैं, जितनी भी गलियाँ हैं, जितनी भी ले जा सकते हैं, परवरदिगार आलम उनसे हमारे दिल को खाली कर दे और उस दिल में हमारे सिर्फ और सिर्फ खुलूस कर दे, अपनी मोहब्बत को कर दे। सलावत भेजिए जब तमाम अंसारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिए, आग लगा दिए, अहले हारून को तस्वीर कर दिया गया, और कभी बाजार शाम, कभी बाजार कूफा, कभी दरबार शाम, और लाश में जब इनको जिंदाने शाम में डाला गया, ये कैदियों की जिंदगी बसर कर रहे हैं। एक अरसा गुजर गया कैदियों की जिंदगी बसर करते करते, सीढ़ी की जिंदगी बसर करते, तो उधर से एक अब्दुल्ला नाम के शख्स पर गुजर हुआ जिंदा निशान। चलिए अब्दुल्ला जिंदा निशान की दीवार से गुजर रहा था, तो उसमें एक बच्ची के कुछ दिल खराश, जिगर खराश कुछ जुमले इससे कारण हो गए, एक बच्चे के जिगर खराश, दिल को तड़पा देने वाले जुमले इसके कारण में आए, तो ये चलता चलता रुक गया जहाँ पर ये जा रहा था, इसने अपना इरादा बदल दिया, वहाँ से वापस लौटी अपने घर पर, और घर आकर अपनी बीवी से कहता है कि ऐ मोमिना, तू तो हर जुमेरात को नजर का एहतमाम करती है, मेरी उससे गुजारिश है, उससे रिक्वेस्ट है कि अब के जब तू नजर दे रहा है तो जिंदा निशान में जाना, मैंने वहां पर एक बच्ची के ऐसे दिल खराश जुमले सुने, मुझे ये महसूस हुआ कि शायद उस बच्ची को पेट भर के खाना नहीं मिल रहा है, शायद उस बच्ची को पेट भर के पानी नहीं मिल रहा है, मैं ये चाहता हूँ कि तू अच्छे अच्छे खाने बना और जिंदा निशान में लेकर जा, तो मेरा दिल इससे बहुत ज्यादा खुश होगा। लिहाजा जो मेरा था ही इस मोमिना ने अच्छे अच्छे खाने बनाए, कष्ट में रख के कष्ट को अपने सर पर रखा, जिंदा निशान की तरफ रवाना हुई, जाकर क्या देखती है कि जिंदान के दरवाजे पर एक नौजवान बैठा हुआ है, जिसके हाथों में हथकड़ियां हैं, जिसके पाँव में बेड़ियां हैं, जिसके गले में खारदार तोप है। ये मोमिना उस नौजवान से कहती है कि ऐ नौजवान, इससे कुछ पूछना चाहा, लेकिन इस नौजवान ने गर्दन की इशारे से पूछा, और इस मोमिना ने ये समझा कि शायद इसमें इतनी भी सरदर्दी हुई है कि जबान से कुछ बोल सके, लिहाजा ये आगे बढ़ी। आगे जाकर इसने क्या देखा कि एक बेबी है जिनके सर के तमाम बाल सफेद हो चुके हैं, सर को झुकाए हुए बैठी है, आंखें बंद हैं, उनके सामने बहुत छोटी सी बच्ची है जो नुकसान रखे हुए सो रही है, इसने अपने सर से खान को कहीं जमीन पर रखा, जैसे ही जमीन पर इसने खान को रखा और ये बैठी और इस बच्ची की यानी जनाब सकीना की आँख खुल गई। अब जब आँख खुली तो कभी जनाब सकीना ने इस खान को देखा, कभी जनाब जैनब के रुख को देखा, कभी इस खान को देखा, कभी बीबी जैनब के रुख को देखा। ये मोमिना कहती है कि ऐ बीबी तू घबरा मत, ऐ बेटा तू घबरा मत, मैं तेरे लिए ये खाना लेकर आ रही हूँ, बस इतना मुझे बता दो कि तुम किस जुर्म में किए गए हो, तुम कहाँ के रहने वाले हो। इतना कहना था कि बीबी जैनब कहती है ऐ मौसमा, ऐ मोमिना, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तेरी हमदर्दियों का बहुत बहुत शुक्रिया, तू अपना ये खाना यहाँ से उठा कर ले जा, हम तेरा ये खाना नहीं खा सकते। ये मोमिना तड़प जाती है, आखिर तुम मेरा खाना क्यों नहीं खाना चाहती हो, मैं तो इसको बड़े खुलूस के साथ बना कर ला रही हूँ। बीबी जैनब कहती है कि हम सादात हैं और सादात पर ये मोमिना तड़प जाती है और कहती है ये सदके का खाना नहीं है, ये तो मेरे आका हुसैन की सलामती की नजर का खाना है, मैं हर जुमेरात को अपने आका की नजर की सलामती के लिए खाना बनाती हूँ और मोमिनीन को खिलाती हूँ, ये सदके का खाना नहीं है।
और फिर मजीद फरमाती है कि मैं हाफिज अपने आप पर हुसैन की सलाम की नजर का खाना हाफिज क्यों ना बनाऊं, उनके लिए दुआ क्यों ना करूं। मैं छोटी सी थी, हवा कहता है कि मैं छोटी सी थी, तमाम तबीबों ने, तमाम हकीमों ने, तमाम डॉक्टरों ने मुझे जवाब दे दिया मैं कहीं से भी ठीक नहीं हुई। जब किसी ने बताया कि तुम रसूल इस्लाम की खिदमत में चले जाओ, बाप मुझे रसूल इस्लाम की मंदिर पे लेकर गया, वहां जाकर मेरे बाप ने रसूल इस्लाम के आगे बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया, ए अल्लाह के रसूल तुम रहमतुल लिल आलमीन हो, मेरी बच्ची के हक में दुआ करो। इतने में रसूल इस्लाम के सामने मेरा बाप तड़प रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, फरियाद कर रहा था कि इतने में एक पर्दा आ गया और एक छोटा सा बच्चा वहां से नमूदार हुआ। रसूल इस्लाम ने उसे हुसैन कहकर बुलाया और कहा कि ऐ बेटा हुसैन, जरा इस छोटे से बच्चे के लिए तुम अपने हाथों को उठाकर बारगाह इलाही में जरा दुआ तो करो, इसे तंदुरुस्त करो, इसकी बीमारी को जरा दूर करो। उस बच्चे ने अपने छोटे छोटे नन्हे से हाथ बुलंद किए, मेरे हाथ में दुआ की, मेरे हाथ जिस्म पर अपना हाथ मस किया, मैं फौरन ठीक हो गई, मैं उठ के बैठ गई। मेरा बाप वहां उन्हें दुआएं देता देता चला आया। मेरा बाप जब इस दुनिया से गया तो मुझसे वसीयत करके मारा कि जब तक इस दुनिया में तुम जिंदा रहना, पापा हुसैन की सलामती की नजर बराबर दिलाते रहना। ऐ शहजादी, ऐ बीबी, ऐ मुअज्जमा, ये तो मेरे आपा हुसैन की सलामती का खाना है। ये सर को झुकाए हुए अपनी कहानी बता रही थी। जैसे ही इसने नजरों को उठाकर देखा, क्या देखा कि बीबी ज़ैनब है, हिचकियों से दारों पता रो रही है, आंसुओं की लड़ी बह रही है, तो बंदे जिस्म कांप रहा है। ये मोमिना कहती है, बीबी पहले तो अपनी कहानी बताई है, आखिर तुम इतना जोर जोर क्यों रो रही हो, तुम तो हिचकियों से रो रही हो, मैंने तो अपनी कहानी बताई है, कोई आपकी शान में गुस्ताखी तो नहीं की है। बीबी ज़ैनब फरमाती है, ऐ मोमिना, तू आज के बाद अपने आका हुसैन की सलामती का खाना ना बनाना, तू आज के बाद अपने आका की सलामती की दुआ ना करना। ये बीबी तड़प जाती है और फरमाती है कि मैं क्यों ना अपने आका की सलामती का खाना बनाऊं। कभी भी फरमाती है, जिस हुसैन की सलामती का तू खाना बना रही है, उस हुसैन को 3 दिन का भूखा प्यासा जालिमों ने घेर कर शहीद कर दिया है, उसका तन करबला मौला में पड़ा हुआ है, उसका सरे अकदस जिंदा निशान में मलाऊन के पास में है, हमें उसकी बहन ज़ैनब हूँ, ये उसकी बेटी सकीना है, वो नौजवान उसका बेटा अभी बीमार है, अब उसकी सलामती के लिए दुआ ना करना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना